सविता जी, मुझे जो समझ आया ठीक लगा, मैं लेता है। बाकी सारी शादी की खरीदारी आप ही को करनी है। श्रावणी के लिए जो कुछ भी चाहिए, उसके कपड़े, उसके गहने, सब आप खरीद लीजिएगा। बाकी मैं पैसे दे दूंगा उसे। देख वर्षु, अब रोने से कुछ नहीं होगा। तुझसे गलती हुई है और सबसे बड़ी बात यह है वर्षु, तुझे अपनी गलती का एहसास है और तू उसे सुधारना चाहती है। भाई भाई, तो समझ में नहीं आ रहा मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं, ताई पता ना प्लीज। जब से तेरा झगड़ा हुआ है, तूने एक भी बार उनसे फोन पर बात की नहीं ना? तो फिर उनसे बात कर, एक बार सतीश जी से फोन पर बात करके दे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। अपना मुंह बंद रख। समझ गया ना? से कुछ गड़बड़ है। इसका सच सामने लाने के लिए इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। शायद आज कोई सुराग मिल जाए। ये ले, रख ले। इतने पैसे काफी नहीं है, और पैसे चाहिए यार। अरे फिलहाल के लिए यही रख ले यार। उधार भी कम नहीं है, सर से पाँव तक हम कर्जों में डूबे हुए हैं। अब इसी काम चला ले, कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा मैं। देख जयवंत, मेरी बात मान और जल्दी शादी कर। कंपनी के फाइनेंस अपने कब्जे पे कर ले, तभी हम इसी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। तू घबरा मत, वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। बस एक बार शादी हो जाए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ताई, वो शादी के कार्ड नहीं आए अभी तक? नहीं, छपकर आज ही आने वाले थे। विनोद वहीं पर गया है, आता ही होगा। आता होगा नहीं, आ गया। अरे दिखा तो सही। वाह, ठीक है ना? ठीक, बहुत सुंदर है। मानो कभी कभी बुराई से लड़ने के लिए बुरा रास्ता अपनाना पड़ता है। जयवंत के मामले में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसे उसी की चाल से मात देंगे हम। अरे सुनो जल्दी, आप क्या लेने आई? लेने नहीं, देने आई। ये आपके पैसे। और ये अर्चना की शादी की निमंत्रण पत्र। सुलोचना, तू मुझे नीचा दिखा के गई, अब देख मैं भी उसी दिन मानव और श्रावणी की शादी करूंगी। 12 नवंबर।